खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ हुई नक्सली मुठभेड़ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में करीब 29 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं हमारे जवानों के सूझबूझ और बहादुरी की प्रशंसा करता हूं, हमारी नीतियों की वजह से यह सफलता मिली है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमने नक्सल उन्मूलन की जो नीति बनाई वह सफल थी और हमारी नीति से नक्सली काफी अंदर तक सिमट चुके हैं। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, भावना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, जो बड़ी घटना है, अभी तक कोई होता ही रहता हमारे जवान साथ होते रहे। लेकिन हमारे शासन काल में हुआ ये है कि नक्सली के मांग में घुस कर उसे सीधी लड़ाई होती रही है, हमारे जवान भी शहीद हुए तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ। और ये लगातार 5 साल में हम नक्सलियों को बहुत पीछे धकेल रहे थे, हमारी नीति नहीं था। अभी जो घटना घटी है निश्चित रूप से इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली।